मिलकर अपने आप को यहाँ के राजनीतिक बाहुबलियों से मुक्त कराएंगे और एक स्वच्छ छवि की महिला को अपने तरारी की बेटी को जिताने में योगदान करेंगे। दूसरा जो क्षेत्र है बेलागंज का, ये भी नोटोरियस क्षेत्र है। आपको मालूम है बेलागंज की पहचान क्या है। वहाँ पर जन सुराज के सभी साथियों ने जब बैठक करी, सब ने मिलकर अमजद भाई का नाम प्रपोज किया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और वहाँ की सभा में भी इस बात की घोषणा की गई थी कि जन सुराज की ओर से अमजद भाई उम्मीदवार रहेंगे। अमजद भाई ने खड़ा होकर कहा कि मेरी जगह पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी अगर चुनाव लड़े तो अच्छा है। अमजद भाई से मेरी जो बातचीत हुई, भाई आपको उम्मीदवारी मिल रही है, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? मैं कैमरे पर खुलासा करना चाहता हूँ, क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? चुनाव लड़ना आसान नहीं है। सामान्य परिवार के बच्चों के लिए चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। अमजद साहब 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ से लड़ने वाले में इनकी छवि है। साधारण परिवार के बच्चे हैं। इन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा कि प्रशांत जी, चुनाव लड़ते लड़ते हम लोग फिनेंशियली टूट गए हैं, 7-8 महीने के लिए फिर चुनाव लड़े, फिर 25 में चुनाव होगा, इसलिए कोई दूसरे को ही लड़ाइए, क्योंकि कितनी बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस और उनके भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी का नाम प्रपोज किया। खिलाफत हुसैन जी ने भी खड़ा होकर कहा कि हम इस क्षेत्र के आदमी नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, इनकी बड़ी इज्जत है, ये राजनीति में आए हैं, खींच कर हम लाए हैं और इनको राजनीति में ही रखेंगे। अब इनको टीचर नहीं बनने देंगे, राजनीति में ये बने रहेंगे, विधान पढ़ा कर भागना चाहते हैं। और ये सिर्फ खिलाफत हुसैन जी के लिए नहीं कह रहे, जनरल साहब को भी हम वापस आर्मी में नहीं जाने देंगे। 2 दिन पहले हमको जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रशांत जी, और कुछ हो या नहीं, 10 दिन हम जब तरारी में घूमे हैं तो मुझे लगा है कि पिछले 10 साल रिटायरमेंट के बाद जो मैं नोएडा में बैठा हुआ था, बहुत बड़ी चूक हो गई, हमको यहाँ आकर रहना चाहिए था, इतना प्यार लोगों ने दिया है। तो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और जनरल एसके सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं, जन सुराज का हिस्सा बनकर मजबूती से बिहार को सुधारने के इस प्रयास में जुड़े रहेंगे। और मैं अपने दिल से अमजद भाई का भी धन्यवाद कर रहा हूँ, इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि जन सुराज की जीत के लिए वहाँ के कार्यकर्ताओं के डिमांड पर इन्होंने अपनी व्यक्तिगत आर्थिक परिस्थितियों को थोड़ा नज़रअंदाज कर भी लड़ना स्वीकार किया है। और प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के आशीर्वाद से, दुआ से, मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि बेलागंज में भी हम लोग को सफलता मिलेगी। आप में से जिन लोगों का कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं।